बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम जो देखेंगे वो है आईटी सिक्योरिटी की मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट, और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या ताल्लुक है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। असल में जब भी आप किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी असेस करोगे, उसके बाद ही उस पर कोई सिक्योरिटी के कंट्रोल अप्लाई करोगे, ठीक है। तो होता ये है कि उसकी क्वांटिफिकेशन जो होती है ना, कि सिक्योरिटी की, थ्रेट्स की, वल्नरेबिलिटीज की, और फिर उनके कंट्रोल्स की, उन सब के लिए एक ही प्रोसेस होता है। अब ये जो हमारा आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट है, ये जनरली जहां आपकी किसी आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, उसी तरह से ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमें एक चीज एक कॉन्टेक्स्ट में आती है, तो वही चीज जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फंक्शनैलिटी के हवाले से जो सिस्टम है, देखो ना, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, वो एक पूरी साइंस है, मतलब उसके लिए एक अलग मॉड्यूल होता है जो पूरे का पूरा मेमोरी मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह प्रोसेस की मैनेजमेंट, प्रोसेसर की मैनेजमेंट, आईओ की मैनेजमेंट, जैसे कि हमने देखा था, ये सारे मेजर चंक्स होते हैं, ये पूरे पूरे सिस्टम्स होते हैं, और ये आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि इन, अब आप मेमोरी के हवाले से थ्रेट्स देखोगे तो वो असेस कैसे करोगे? जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी, बफर ओवरफ्लो और इस तरह के मामलात थे, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले आईटी सिक्योरिटी के हवाले से रिस्क असेसमेंट करनी है कि यार मेरे कंप्यूटर या ओएस में जो ये चीज है मेमोरी वाली, इसको क्या क्या रिस्क है, इस पे किस किस तरह के थ्रेट्स हैं जो कि एक्टिवेट हो सकते हैं, और उनसे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मुझसे मुराद ये कि मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो क्रैश कर सकता है, उसका कोई डाटा लीक हो सकता है, या क्या उसका डाटा करप्ट हो सकता है। तो पहले आप उसके रिस्क असेसमेंट करोगे, फिर उसको मैनेज करोगे कि अच्छा यार इस चीज को खत्म करने के लिए मैं वो कौन से एक्शंस लूं कि जिसकी मदद से हम इन चीजों को वाइंड अप कर दें। फिर उसके लिए हमने देखा था कि कुछ रन टाइम डिफेंसेस थे, कुछ कंपाइल टाइम डिफेंसेस थे, वो जो अपने मेमोरी मैनेजमेंट वाला चैप्टर था उसमें, उसकी सिक्योरिटी में हमने देखा था मेमोरी की, कि फिर आप मुख्तलिफ तरह से इस हवाले से कंट्रोल करते हो, आप मेमोरी सेफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। तो ये वो सारे काउंटर मेजर्स थे जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी को लाहक जो खदशात और खतरात होते हैं उनको काउंटर करने के लिए ले सकते थे, ठीक है। तो इसी तरह से हम आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आज पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं, तो वहां पे हम इन सब चीजों को इस हवाले से लेके यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट, अभी जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है ना, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है किसी सिक्योरिटी को मैनेज करने का। अब उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन रेज होते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो अपने उस चीज पे जिस पे आप ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने घर को सिक्योर करना है, और फिर मैं बता रहा हूँ कि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आए तो ऐसी कोई एग्जांपल मत देना, आपने टेक्निकल देनी है। ये सिर्फ जो शुरू की चीज होती है ना आपको समझाने के लिए, ताकि आपको रियल वर्ल्ड चीज से आपको ज़रा जल्दी पिक हो जाए कम्प्लेक्सिटी में जाए बगैर। अच्छा, अगर आपका घर है तो आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, हम सपोज कर लेते हैं उसमें एक सर्वेंट क्वार्टर भी है, और फिर आपका ड्राइंग रूम भी है, फिर आपका बेडरूम भी है, और आपका स्टडी रूम भी है वगैरह वगैरह, और किचन भी है। तो आप सबसे पहले तो वो देखेंगे कि इस घर में उन सब कमरों में मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई है। किचन में खाने पीने का सामान पड़ा है, ग्रोसरी पड़ी है, फ्रिज के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई है, ठीक है, पानी की बॉटल्स पड़ी हुई है, स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा हुआ है, आपके सर्वेंट क्वार्टर में कुछ सामान पड़ा हुआ है, आपके ड्राइंग रूम में सोफे शोफे और वगैरह वगैरह चीजें पड़ी, स्टडी रूम में बुक्स पड़ी हुई है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, बेडरूम है उसमें चीजें पड़ी हैं। तो आपने इन सब में से आपने सबको प्रोटेक्ट करना है, तो क्या सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? मेरा नहीं ख्याल, आप ग्रोसरी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। लेकिन सपोज आपके बेडरूम में या आपके घर में कोई लॉकर है या बेडरूम की कोई अलमारी है और उसके अंदर आपके जेवर पड़े हुए हैं, ठीक है, अम्मी के या मतलब अगर आप लोगों के, तो आप उसको प्रोटेक्ट जरूर करना चाहोगे। आपको कहोगे हाँ यार ये जेवर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने ना जरूर प्रोटेक्ट करना। तो पूरे घर में उसको तो आप बड़े लॉक एंड की और बड़े हिसाब किताब से कुछ संभाल संभूल के रखोगे, लेकिन वो जो किचन में ग्रोसरी या दाल पड़ी हुई है 1 किलो, तो उसको आप इतना बॉदर नहीं करोगे कि यार उसको बड़ा हाई फाई सिक्योरिटी और लॉक एंड की और इस पर रखना होगा ना।
ठीक है, वो फ्रिज भी आपका नॉर्मली ओपन होता है, आपको कुछ फ्रिज में ताले वाले आते भी हैं तो लोग उनको कभी यूज नहीं करते, लगा के वैसे जंग लग जाता है उनको, तो ये चीज होती है। तो इस तरह सबसे पहले आपकी आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये देखना है आपने, मेरे पास इतना सारा कुछ है जिसको मैं बेसिकली सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें से एक्चुअली मैंने सिक्योर किसको करना है, पहली चीज। जब आपको ये पता चल जाए कि मैंने किसको सिक्योर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी जेवर को सिक्योर करना है, फाइन। अच्छा अब इसको थ्रेट क्या हो सकते हैं, थ्रेट क्या हो सकते हैं कि अरे जेवर कोई चोरी करके ले जाएगा, ये घूम भी सकता है, ठीक है, और उसको मेरे ख्याल में जंग शंग तो लगता नहीं है सोने वोने को, तो इसलिए फिलहाल हमारे सामने इसके दो ही थ्रेट आते हैं यार, कोई चोरी भी कर सकता है और ये घूम भी हो सकता है हमसे ना, ठीक है। और एक होता है कि बाजू का बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का हो तो वो टूट वूट भी सकता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि टूट के भी रहता तो आपके पास ही, आप उसको दोबारा से जुड़वा सकते हैं, लेकिन चलो हम पहले दो को आसानी के लिए कंसिडर कर लेते हैं। अब जब बात होगी कि यार हमें पता चल गया कि हमने पूरे घर में से जेवर को प्रोटेक्ट करना है और उस जेवर को चोरी होने का खतरा है और उसको गुम होने का खतरा है, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा अब इसके लिए हम काउंटर क्या, ऐसे मेजर्स क्या अख्तियार करें कि जिसकी मदद से हम इन दो खतरात को जो हमारे सामने आए, एक चोरी होने का और एक गुम होने का, वो हम उसको खत्म कर सकें, किसी तरह से कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोटेक्ट करना है, फिर ये देखना है कि अच्छा जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको एक्चुअली खतरे क्या क्या है, और फिर जो जो खतरे हैं उसके हिसाब से आपने जो एक्शन लेते हैं उसको खत्म करने के लिए, उस खतरे को, ये सारे का नाम है आईटी सिक्योरिटी की मैनेजमेंट। क्लियर है? यस सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा अब इसमें बाकी चीजें वही लिखी हुई है कि यार सारे जो हमारे क्रिटिकल एसेट है ना उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि यार ये जो आपका जेवर है ना वो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का हम सपोज कर लेते हैं। अच्छा वो जो 10 लाख का जेवर है उसकी हमने प्रोटेक्शन के ऊपर जो खर्चा करना है वो कितना है? अब ऐसा ना हो कि हमने 10 लाख के जेवर पे 15 लाख की प्रोटेक्शन लगा दें तो वो तुम्हारी बेवकूफी कंसिडर होगी ना, तो हम 10 लाख के जेवर के ऊपर उतनी ही प्रोटेक्शन लगाएंगे जो कि 10 लाख से कुछ कम हो और वो मतलब है कि उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सके। तो कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर आपने क्रिटिकल एसेट को प्रोटेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं करना होता कि 10 लाख का एसेट है या उसके गुम होने से 10 लाख का नुकसान होगा और सिक्योरिटी भी आपने 15 लाख का खर्चा कर दिया तो वो मतलब फायदा नहीं होगा ना, तो आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए उसके ऊपर। फिर उसके बाद आपने जो सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट है वो जरूर करनी है और हर उस एसेट के लिए करनी है जिसको आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत समझी जा रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने सिर्फ एक हवाले से नहीं करना है, हम आगे जाके देखेंगे कि आपने ये नहीं करना कि सिक्योरिटी ही इंप्लीमेंट करें तो वो हो, कई बार आप कुछ अपने ऑपरेशंस में और इस तरह की चीजों में कोई ऐसी चेंज लेकर आते हैं कि जिसकी मदद से आपकी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है, मतलब जरूरी नहीं होता कि उसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड ही ला के बैठाना है या कोई ताले चाबियां लगानी है या कोई कैमरे लगा देने, बाज़ औक़ात आप ऐसा कोई अमल इख्तियार कर लेते हैं जो ऑलरेडी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी चेंज ले आते हैं जिसकी मदद से आपका वो मसला ही खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट वाली जो हमने डिस्कस की उसी के हवाले से लें, तो हमने कहा था कि यार मेमोरी में बफर ओवर फ्लो हो सकता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ उन्होंने एसिंक्रोनस रेंडमाइज किस्म की मेमोरी के जो सीड होता है वो वाला एक ASLR मेमोरी मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट था कि जिसमें वो जो रन टाइम मेमोरी होती है उसका जो पहला एड्रेस होता है उसको आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो, जिसकी मदद से फिर क्या होता है कि उस एंड यूजर को जो अटैकर होता है उसको पता नहीं चलता कि शुरू का एड्रेस क्या है, उसको ब्रूट फोर्स करना पड़ता है, वो अगर उसको एक बार में मिल भी जाए तो अगली बार जब सिस्टम रीबूट होता है तो वो फिर से रैंडमली कोई और एड्रेस सेलेक्ट कर लेता है स्टार्ट ऑफ द मेमोरी का, उससे क्या होता है कि हर बार आपका जो अटैकर होता है उसको गैस करना पड़ता है कि यार ये इस वक्त कौन से वाले, और बार बार गैस करना पड़ता है जब सही वाला मिल जाए कि कहाँ पे आपकी जो मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है वो हो रहा है। तो इस तरह अब ये तो था ना कि आपने इस पे काउंटर मेजर कोई लगा दिया, फिर एक था कि अब तरीका ही चेंज कर रहे, तरीका चेंज करने की जो एग्जांपल थी इसी डिफेंस में मेमोरी मैनेजमेंट की वो ये थी कि आप उस के लिए जो लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप टाइप सेफ लैंग्वेज, सिक्योर लैंग्वेज यूज कर लें, ठीक है। फंक्शनल लैंग्वेजेस काफी सिक्योर होती है, फॉर एग्जाम्पल रस्ट है, रस्ट मेमोरी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, तो अगर आप रस्ट में प्रोग्रामिंग करें रस्ट के इस कंपाइलर को जब लगे कि यार यहाँ पे आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है कि जिसकी मदद से यहाँ पॉसिबल है कि कोई बंदा बफर ओवरफ्लो अटैक कर सकता है, तो वो आपके रस्ट के प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं होने देता, आपको एरर देता, कहता है भजन ये वाली जो लाइन है इसमें आपने कोई ऐसी इस तरह से कमांड लिखी है इसमें आपका बफर ओवरफ्लो हो सकता है, तो भाई मैं तो ऐसे किसी काम को अलाउ नहीं करता, आप इस लाइन को री
कोड करें और इसको सिक्योर वे में लिखें ताकि यहाँ पे बफर ओवरफ्लो अटैक होने का इम्कान खत्म हो जाए, तब मैं आपके प्रोग्राम कंपाइल करूंगा। ज़ाहिर है प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा तो रन होगा, तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें बग हो उसको वो कंपाइल ही होने देगा। तो अब आपने इस खतरे को मेमोरी के बफर ओवरफ्लो के उसको सिरे से खत्म कर लिया। क्या करके, सिर्फ आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्शन चेंज कर ली, आपने सी की जगह आपने कहा कि यार मैं रस्ट में प्रोग्रामिंग करूंगा, तो उससे क्या हुआ कि अब आपका वो खतरा ही सिरे से खत्म हो गया। तो आपने थोड़ा सा अपने प्रोसेस में चेंज किया और चेंज ये किया कि आपने जो लैंग्वेज है वो चेंज करके सी से उसको रेस्ट कर दिया, तो आपका वो खतरा खत्म हो गया। तो इस तरह से ऑल्टरनेट वे भी होते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर बार हम कोई सिक्योरिटी ताले चाबियां गार्ड बिठा दें कैमरे लगा दें तो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी पास बात इस तरह अपने वे ऑफ वर्किंग चेंज करने से भी हो जाती है। अच्छा, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है उसके लिए ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो स्टैंडर्ड की एक सीरीज है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS है, उसके ISO वालों ने जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम ये है कि वो दुनिया में स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करती है, उन्होंने 27,000 सीरीज दी है स्टैंडर्ड की, जो कि IT सिक्योरिटी टेक्निक्स के ऊपर फोकस कर रही होती है। इसके कुछ पार्ट्स आपके सामने हैं, 27,001, 27,000, फिर 27,002, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें साथ इसके साथ लिखे हैं कि 27,000 जो इसकी रिवीजन जो लास्ट आई है वो 2016 में आई है, 27,001 की 13 में आई है, इसी तरह 27,002 भी 13 में आई है, 27,003 की 2010 में आई थी, इस तरह सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या है, ये अपनी अपनी जगह 80-80 सफ़े 60-60 सफ़ों के स्टैंडर्ड्स हैं, ISO की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं लेकिन पेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो फॉर एग्जांपल हम 27,001 देखते हैं, तो 27,001 वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करता है कि भाई आपने अगर ISMS इस्टेब्लिश करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको फिर अपने डे टू डे अफेयर्स में इंप्लीमेंट करने के लिए, फिर उसको ऑपरेट करने उसको चलाने के लिए, और फिर जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, फिर उसके जो आउटपुट आ रही है उसको रिव्यू करने के लिए, और फिर उसको सालों तक मेंटेन रखने के लिए, और फिर उसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करने के लिए, मतलब हर साल उसकी मजीद इम्प्रूवमेंट आए। इस सारे काम को आप कैसे करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी, वो सारी इस डॉक्यूमेंट में लिखी है। इस ISO का या ISO स्टैंडर्ड्स का फायदा क्या होता है कि आपको एक बेयर मिनिमम प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग मिल जाता है कि भाई अगर आपको कुछ नहीं पता तो एक तरीका तो ये है कि आप 50 किताबें पढ़ लें और फिर अखस करें कि यार ये ISMS मैंने ऐसे इंप्लीमेंट करना है, और एक तरीका है कि आप ये ISO का स्टैंडर्ड पढ़ लें तो ये आपको बेस लाइन प्रोफेशनल वे दे देगा, और जितनी भी ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है सारे इसको ही फॉलो कर रहे होंगे और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए बनाया जाता है। तो जब आप इसके अंदर जो स्टेप्स दिए हैं वो सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपका वो ISMS जो है वो इंप्लीमेंट और ये सारे काम हो जाएंगे। इसी तरह 27,002, 3, 4, 5 की ये आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल होकर लिखिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, उनके नाम है और उनके काम है कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके वाले से ISO ये स्टैंडर्ड ऑफर करता है, और हर स्टैंडर्ड का जो नंबर है 27,000 की सीरीज का 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें से हर एक जो है इसके अंदर आपको ये चीज़ें ISMS के बारे में बताई जा रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा अपने टॉपिक के ऊपर कि IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है। तो IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है कि जो कि सबसे पहले तो अचीव और फिर मेंटेन करता है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड एक चीज ऐड होगी रिलायबिलिटी। ठीक है, बाकी पांच वही चीजें हैं जो हमने कई बार डिस्कस की हैं पुराने वाले अपनी क्लासेस में लेक्चर्स में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मकसद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का ये होता है कि यार हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को अचीव करना चाहते हैं अपने किसी भी चीज में जिसमें हम सिक्योरिटी लगा रहे हो। ठीक है, तो वो IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या कहती है, ऐसे प्रोसेसेस जो आप इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ऑल दीज थिंग्स अचीव कर सकें, वो आपकी IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहलाती है कि किस तरह से आप ये सारे काम करवाते हो। अब इसमें नीचे उसके फंक्शन दिए हुए हैं कि आप सबसे पहले तो और अब करते कैसे, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है तो उसकी जगह अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में करनी है, दोनों सूरतों में आप सबसे पहले सिक्योरिटी की ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज को सामने रखोगे। आप देखोगे कि यार अच्छा मैं सिक्योरिटी लगाकर अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम कहते हैं कि हमारा डाटा लीक ना हो, कोई और पढ़ ना सके उसको, कोई चेंज ना कर सके अनऑथराइज वगैरह वगैरह। अगर हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाए तो हम कहें यार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर हो,
उसके अंदर जो जो उसके ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं वही इसको यूज कर सके, कोई दूसरा बंदा ना इसको यूज कर सके इसके रिसोर्सेज को। और इसमें जो डाटा है वो जो ऑथराइज बंदे हैं उन्हीं को नजर आए, जो ऑथराइज नहीं है उनको नजर ना आए, उसको रीड ना कर सके, ठीक है। और ये सिस्टम जब हमें चाहिए उस वक्त चल रहा हो, ये ना हो कि यार हम ऑन करें तो बदले कि यार ऑन ही नहीं हो रहा, तो हम काम करना चाहें तो उस पर करना पाए, तो अवेलेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। ये सारे मामला जो हैं ये सारे आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, अगर हम ये आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट उस पर अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह डिटरमिन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की जगह या ओएस कर दें या ओएस की जगह ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, दोनों सूरतों में हमें उसकी आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके फाइन, ठीक है, हमें ऊपर ऊपर से पता चल गया कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या हमने अपने ओएस को दोनों को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी लगानी है उसकी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ये सब चीजें हमने सिक्योर करनी है, फाइन। अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? बाज जगहों पे ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करना चाह रहे होते हैं, बाज जगहों हम सिर्फ इंटेग्रिटी करना चाह रहे होते हैं, बाज जगहों पे दोनों करना चाह रहे होते हैं, बाज जगहों पे हम ऑथेंटिसिटी देते हैं, बाज जगहों पे नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल अब आप गूगल का पेज खोलो तो वहां पे आपको लॉग इन करना पड़ता है। शजीरा आप बताओ। क्या चीज? अगर आप गूगल का पेज खोलो तो क्या वहां पे आपको लॉग इन करना पड़ता है? नहीं सर, नहीं सर करना हमने पड़ता। पहली दफा में अकाउंट लॉगिन कर लिया और मेल, उसके बाद तो नेक्स्ट टाइम तो लॉगिन नहीं करना वो पड़ता। अगर आप क्रोम में करो ना तो क्रोम सिर्फ आप लोगों को ट्रैक करने के लिए ना वो आपसे लॉग इन करवाता है, ताकि जो जो आप ब्राउज करो तो आपके यूजर के अच्छा अगेंस्ट सेव होता रहे। वरना अगर आप गूगल खोलो तो कभी भी आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता यार। गूगल 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 डॉट कॉम कहीं पे भी जाओ, अपने जी, यूएसए में जाके गूगल डॉट कॉम नहीं खोल नहीं दो, कोई कभी भी कुछ नहीं नहीं। कहता, जी ठीक है ना। जी इसी तरह जी आप जियो डॉट टीवी खोल लो, जंग डॉट कॉम डॉट पीके खोल लो, या कोई भी एक्स वाई जेड वेबसाइट खोल लो, ठीक है, ए आई ओ यू की अपनी सॉरी ए यू की वेबसाइट खोल लो, तो आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता, वो आपके लिए ओपन होती है, ठीक है ना। उसमें सारे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर बंदा स्टूडेंट हो, कोई अभी ना बना हुआ हो स्टूडेंट वो भी तो देख सकता है ना कि एयू में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं ताकि वो एडमिशन ले ले। यस तो सर, इसलिए ना इस तरह की जगहों पे, मतलब बास जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की या ऑथेंटिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल गूगल, फॉर एग्जाम्पल एयू की वेबसाइट, तो हर जगह पे ये सारी चीजें अप्लाई नहीं हो रही। तो इसलिए हम डिटरमिन जो सेकंड पॉइंट है ना कि डिटरमिन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम की या किसी भी चीज की वेबसाइट की, तो वहां पे हम देखते हैं कि यार हमें इन सारे पांच छह चीजें जो इंटेग्रिटी और रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी और अवेलेबिलिटी, इनमें से हमें क्या चाहिए। तो अब देखो वेबसाइट जो एयू की है उसके लिए अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यार वो अवेलेबल होनी चाहिए नंबर वन। ये ना हो कि कोई बंदा एयू डॉट एडीयू डॉट पीके लिखे तो आगे से कहे कि यार वी कांट रीच योर साइट और इस तरह के मामला, तो वो बंदा फिर कहेगा यार तो उनकी साइट ही नहीं चलती तो मिस्ट्री क्या चलती होगी, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आएगी इंटेग्रिटी कि यार अच्छा अगर किसी बंदे को ये साइट मिल जाए तो साइट में जो डाटा है वो वही हो जो एयू के वेब मास्टर ने वहां पे डाला हुआ है। ये ना हो कि कोई बंदा उसको चेंज करके, यहाँ पे हम कहते हैं यार हम 6 डिग्रियां करवाते हैं, वो वहां पे 10 डिग्रियां डाल दे, बंदा आ जाए एडमिशन लेने, हम कहे यार हम तो ये डिग्री करवाती नहीं है, वो कहे भाई आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो वो पता नहीं को हैकर डाल गया हो, तो ऐसा ना हो। तो इंटेग्रिटी की सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अवेलेबिलिटी के बाद इंटेग्रिटी की। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे इतना मैटर नहीं करती क्योंकि ये पब्लिक वेबसाइट होती है तो सबके लिए ओपन होती है, कोई भी बंदा आके यू के बारे में पढ़ सकता है कि यार यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और सारा कुछ, ठीक है। हाँ अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें। अकाउंटेबिलिटी कहाँ चाहिए कि यार अगर कोई बंदा लॉग इन करता है तो वो अकाउंटेबिलिटी होगी, जब बंदा वो लॉग इन वाले किसी पेज पे जाते हैं, जैसे मैं आप हैं हम स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो वहाँ पे वो उसके स्टूडेंट पोर्टल पे जाते हैं, स्टूडेंट पोर्टल पे जाके लॉग इन करते हैं तो आगे अपने रिजल्ट देख लेते हैं, चीजें देख लेते हैं, तो उस वक्त हमें ऑथेंटिसिटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जब उस वेबसाइट के खास हिस्से को एक्सेस करें उसकी उस हिस्से की रिक्वायरमेंट है कि यार ये ऑथेंटिसिटी भी यहाँ होनी चाहिए, हर बंदा लॉग इन ना कर ले, सिर्फ स्टूडेंट जो है ना वही लॉग इन करके अपने रिकॉर्ड्स और ये सारी चीजें चेक कर सके, तो इस तरह से करके ना ये वेरी करता रहता है। फिर उसके बाद इसी तरह सिक्योरिटी की थ्रेट, फिर आप देखते हैं कि अब आपने जब एरियाज या वो रिक्वायरमेंट देख ली तो आप देखते हैं कि उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपके सिस्टम को क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेट ये आ सकते हैं कि यार अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वो उसको कोई बंदा ब्रूट फोर्स कर सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसको डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भिजवा सकता है, जिसकी वजह से लिजिटिमेट यूजर को वेबसाइट ऑनलाइन होगी, चल भी रही होगी, लेकिन वो जो बॉट होते हैं
वो डीडोस अटैक करेंगे तो वो उसको इतनी लाखों रिक्वेस्ट भिजवा देंगे कि ये उन सबको प्रोसेस कर रहा होगा, उन सबको सर्विस दे रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हो, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आप ना मुझे जो है आम का जूस बना दो मिल्क शेक, ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है आपके पास एक जूसर है तो आप उसमें वो आम डालोगे और जूस बना के दे दोगे, और साथ ही एक और बंदा कहता है कि जी हमदा कहती है मुझे भी बना के दे दो, कोई और बंदा कहता है मुझे भी बना के दे दो, आपके पास अब एक जूसर है और आप सर्विस टाइम आपका है 1 मिनट, तो आप एक एक मिनट के बाद हर बंदे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो अगर आपको 10 बंदे कहते हैं कि यार आपने ये जूस बना दो या मिल्क शेक बना दो, तो आप बना दोगे, बट अगर आपको 1 लाख बंदे कह दें तो मिल्क शेक बनाओ, तो वो अब 1 लाख का मतलब है हर बंदे को अगर आपको 1 मिनट लग रहा है बनाने में, तो आपको 1 लाख मिनट चाहिए। तो उसका मतलब है कि जो 10 के बाद 11वां बंदा आ रहा है उसको 11 मिनट वेट करना पड़े, तो 11 मिनट तो वेट नहीं करेगा ना वो वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, उसको 1 मिनट के अंदर अंदर ही एरर आ जाएगा कि योर साइट कैनॉट बी रीच, और 10 के बंदे के बाद तो हर बंदा ही जो है ना जो 1 लाख तक अगर रिक्वेस्ट आई हुई है, तो वो 1 लाख तक जो लोग हैं वो फिर वेट ही में आएंगे, उनको एरर आना शुरू हो जाएगा, अवेलेबिलिटी डिसर्व हो जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में वो क्या करते हैं, वो आपको ना वैसी फेक रिक्वेस्ट भिजवाना शुरू करते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में, वो एक ही कंप्यूटर से जनरेट हो रही होती है यूजिंग फेक आईपी, मतलब उसमें आईपी कोई और जा रहे होते हैं वैसे ही रैंडम। तो अब सर्वर को तो नहीं पता होता कि यार ये कोई बॉट है, कोई मतलब मेरे पे अटैक कर रहा है, वो तो ये समझता है कि यार मुझे लोग कह रहे हैं कि मुझे वेब पेज दो, मुझे वेब पेज दो, मुझे वेब पेज दो। तो जिस तरह हमने कहा कि यार शजीरा की मिल्क शेक बनाने की कैपेसिटी है कि वो 1 मिनट में 1 गिलास मिल्क शेक बना पाती है, तो ऐसे ही वेबसाइट की भी कैपेसिटी होगी ना कि वो एक एक मिनट में 1,000 यूजर कोई अपना पेज दे सकती है, इससे ज्यादा अगर 1,001 आ जाए तो उसको वेट करना पड़ता है थोड़ी सी देर, जब तक वो एक उनमें से प्रोसेस होकर निकलना जाए, तो वो स्लॉट खाली होती है, तो वो जो एक आया हुआ एक्स्ट्रा 1,001 उसको वो स्लॉट मिल जाती है, वो उसका फिर डाटा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर मैं 1 लाख रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, तो 1 लाख रिक्वेस्ट का तो मतलब ये है कि फिर आपका सर्वर बिजी हो जाएगा, तो अब वो रिक्वेस्ट दे ही नहीं रहा होगा लोगों को, तो उनके पास टाइम आउट आना शुरू हो जाएंगे और लिखा आ जाएगा कि द पेज यू वॉन्ट कैनॉट बी रीच्ड एट द मोमेंट, और इतना की बातें, तो लोग समझेंगे वेबसाइट डाउन है, हालांकि वेबसाइट चल रही है लेकिन वो 1 लाख बंदों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है, उनको डाटा भिजवाने की कोशिश कर रही है, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। तो वो इस तरह के किसी अटैक का थ्रेट, मतलब आपने सबसे पहले देखना है कि अब उस एसेट के ऊपर आपको थ्रेट्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने ये वाली एग्जाम्पल दी कि यार ये उसको ये वाला काम हो जाएगा कि अगर एक बंदा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है रॉन्ग रॉन्ग रिक्वेस्ट, तो अब क्या होगा कि जो लेजिटिमेट यूजर आएंगे, अब आपका वेब सर्वर को तो नहीं पता कि ये रॉन्ग रिक्वेस्ट आई है, वो तो उन सबको प्रोसेस कर रहा होगा वन बाय वन, तो अब क्या होगा कि उसके बाद एक लेजिटिमेट यूजर जब विजिट करेगा तो उसको तो बारी नहीं आएगी, तो 1 आध मिनट वेट करके उसका ब्राउजर ब्राउजर जो है वो टाइम आउट का एरर दे देगा, उसको वो कहेगा वेबसाइट नहीं चल रही, हालांकि वेबसाइट चल रही होगी लेकिन वो 1,000 या 1 लाख फिक्टिशियस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही होगी। तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि यार उसके साथ रिस्क क्या क्या है, अगर वो काम हो जाता है, वेबसाइट आपकी डाउन हो जाती है या ऑपरेटिंग सिस्टम में बफर ओवरफ्लो अटैक हो जाता है, तो उसके साथ रिस्क आपके साथ क्या क्या एसोसिएटेड है, आपकी क्या क्या चीज स्टेक पे लगेगी, आपको किस किस तरह से नुकसान होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उन चीजों पे नुकसान को मद्देनजर रखते हुए या अटैक के वेव और मेथड्स को थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए फिर आप काउंटर मेजर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद आप उनको मॉनिटर करते रहते हो कि यार एक बार तो ठीक है मैंने काउंटर मेजर ले लिया, तो उसको दोबारा भी चेक करते रहो कि दोबारा तो नहीं किसी ने अटैक कर दिया, दोबारा तो नहीं किसी ने बफर ओवरफ्लो कर दिया, और अगर दोबारा नहीं किया तो आपने और किया है तब भी आपने सिक्योरिटी अवेयरनेस भी करनी है, अपने अलावा बाकी भी बताना है कि भाई इस तरह का अटैक हो सकता है, इस तरह का इशू आ सकता है, और इसको मैंने पिछली बार ये R&D करके मैंने ये वाला रिजल्ट ये वाला वे आउट इख्तियार किया था जिसकी वजह से अभी मुझे दोबारा ये वाला अटैक नहीं आया, वो मैं बच गया हूँ उस अटैक से। तो आप लोग भी मतलब इसको शेयर कर लें बाकियों के साथ ताकि सो दैट मतलब वो लोग भी इस हवाले से अवेयर हो सके कि यार इस तरीके से अटैक रुक जाते हैं फला तरह के। फिर उसके बाद ये जो आप अवेयरनेस प्रोग्राम, अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम ये करता है कि वो आप लोगों को फिर अवेयर कर रहे होते हैं अपने सिक्योरिटी मेथड्स के हवाले से, अगर आपने कोई नया सिक्योरिटी मेथड लगा दिया तो जाहिर है आप बाकी लोगों को अवेयरनेस देंगे कि भाई हमने आपके लिए आज से ये वाला काम इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसा एयर यूस्ट्री है वो कहती है कि जी आज से हर बंदा जो है वो बैच अपना जो है यूस्ट्री का लगा कर आएगा, बगैर बैच के किसी को दाखिला नहीं दिया जाएगा, आप सब लोग अपना बैच डिस्प्ले कर दे, तो उसके लिए फिर अवेयरनेस देंगे, आप सबको ट्रेनिंग देंगे या आपको ईमेल कर देंगे उसमें ये बात लिखी होगी, या आपके नोटिस बोर्ड पे ये चिपका देंगे कि भाई आप सब लोग पढ़ लो कि जी 1 जून से यूस्ट्री में कोई भी बंदा बगैर यूस्ट्री कार्ड के नहीं आ सकेगा, ऐसा भी होता है ना आपके पास कार्ड नहीं है तो आप आईडी कार्ड जमा करा के एंटर हो जाते हैं, तो एक एग्जाम्पल आ गई कि आपने सिक्योरिटी अवेयरनेस भी देनी होती है बाकियों को इस हवाले से जो आपने एक्शंस लिए हैं।
और इसके बाद फिर भी आप ये जहन में रखें कि अगर कभी इस तरह का कोई मसला हो गया, किसी ने हमारे सिक्योरिटी के बावजूद हमें हैक कर लिया, या बफर ओवरफ्लो के केस में अगर वो बफर ओवरफ्लो इन सारे मसाइल के बाद भी अगर हो गया, तो फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है? वो उसके लिए आपने इंसिडेंट को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे रिस्पॉन्ड देना है, कैसे उसको डिटेक्ट करना है, और कैसे उसका काउंटर मेयर करना है, और कैसे अपने आप को उन नुकसान से बचाना है जो कि उस सक्सेसफुल अटैक के होने की सूरत में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो हमने इतनी लंबी तमीज बांधी, और मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि बिलाल आ भी गया। क्यों बिलाल आ गए हो? जीरा जरा लिस्ट देख के बताओ, मेरे पास असल में स्लाइड खुली हुई है ये वाली प्रेजेंटेशन मोड में, कि अभी हम कितने, चार बंदे, पांच हो गए। सर चार हैं, हनान ने लीव कर दिया है और बिलाल ने अच्छा, जा हनान चला गया और बिलाल आ गया। चलो, हनान के कान के। अच्छा जी, इसका मतलब है मुझे वो अटेंडेंस खोल लेनी चाहिए साइड पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अवर व्यू ऑफ आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती क्या है। थोड़ा सा इसको, इस डब्बे को जरा गौर से देख लेते हैं कि सबसे पहले तो अपना आईटी सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाते हो कि यार हमारे इसमें ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं, और उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऐड करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट से मुराद ये कि हमारे एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सिक्योरिटी कुछ और होगी, और एक यूटिलिटी स्टोर है या सेव मार्ट है, तो उसकी जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो और तरह की होगी, ठीक है? अब क्या होगा कि उसको सामने रखते हुए आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाओगे। अब जो डिफेंस की वो ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी है, तो और इस तरह का इदारा है, तो उसकी ऑल टुगेदर, इस तरह एयर हेडक्वार्टर है और एयर इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं। लेकिन एयर हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और एयर इंडस्ट्री की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है? तो उसके हवाले से आप सामने रखते हुए अपनी आईटी सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाते हो। उसके बाद आप देखते हो कि यार मैंने रिस्क एनालिसिस कैसे करना है और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। इसमें चार टेक्निक होती है, उनको भी हम देखेंगे। एक होती है बेसलाइन, एक होती है इनफॉर्मल सिक्योरिटी एनालिसिस, एक होता है फॉर्मल, और एक होता है कंबाइंड, ठीक है? तो जब आप सिक्योरिटी एनालिसिस कर जाते हैं, तो फिर आप उन रिस्क जो आपके मसले मसाइल नजर आए हैं उनको सामने रखते हुए आप कंट्रोल सेलेक्ट करते हो कि यार इनको मैंने काउंटर करना है, तो मैं ऐसे कौन से कंट्रोल, ऐसे कौन सी प्रोटेक्शंस लगाऊं कि जिसकी मदद मतलब से ये जो मैंने सिक्योरिटी के रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं ये खत्म हो जाए, ठीक है? फिर उनकी सिलेक्शन करने के बाद आप उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्लान एंड प्रोसीजर्स बनाते हो और उनको इम्प्लीमेंट करते हो। जब वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आते हैं, तो आप कंट्रोल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के बाद या उसके से पहले या उसके साथ साथ और भी काम कर सकते हो कि आप अपने वे ऑफ वर्किंग में कुछ चेंज ला सकते हो जिसकी मदद से वो रिस्क खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी अवेयरनेस की ट्रेनिंग देते हो, लोगों को बताते हो कि यार ये काम आपने ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इस तरह करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह करने से आपका नुकसान नहीं होगा, हमारा ये प्रोग्राम है, हमने इसी तरह से कुछ चेक्स लगाए हैं, कुछ लॉक्स लगाए हैं, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। जब ये वाला काम इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो फिर आप फॉलो अप करते रहते हैं उस वाली चीज़ का कि यार ये थ्रेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारा सारा काम करने के बाद। और उसके लिए तरीका ये है कि नंबर एक, आप मेंटेनेंस मोड में जा सकते हो, आप सिक्योरिटी कंप्लाइंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उसको रिव्यू करवा सकते हो कि यार आप आके चेक करें, हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी सही लगा दी है, अब आप देखें आके कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शिफा इंटरनेशनल, या शिफा इंटरनेशनल से मुराद कोई भी हॉस्पिटल है, तो जो अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका पेशेंट का रिकॉर्ड सारे का सारा डिजिटाइज फॉर्म में होता है। तो अब वो डिजिटाइज फॉर्म में है ना, तो जहाँ पे ये वाला काम होता है वहाँ पे आपके ऊपर हिपा का रूल, स्पेशली यूएस में वहाँ पे हिपा का रूल अप्लाई, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह उसका कोई नाम है, तो हिपा, HIPAA है मेरे ख्याल में। तो वो जो हिपा होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट, जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह या मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि पेशेंट्स का इलाज करते हैं अमेरिका में, उनके लिए लाजमी है कि वो हिपा कंप्लाइंट हो, हिपा में जो जो डूज एंड डोंट्स दिए वो सारे वहाँ इम्प्लीमेंट हुए हुए हों। तो वो चीज़ें जो है ना, फिर आपकी सिक्योरिटी कंप्लाइंस में आती हैं। तो हिपा की हर 3 साल के बाद आपको अपनी सर्टिफिकेशन करवानी पड़ती है कि यार वो उसके ऑडिटर आके चेक करते हैं, और वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको असेस करते हैं कि यार अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काम ना हो, तो क्या ये काम सच में हो तो नहीं रहा, अगर नहीं हो रहा तो वो टिक लगा देते हैं, अगर हो रहा हो और मना हो तो वो उस पर क्रॉस कर देते हैं। और फिर आपका कोई 70-80% का स्कोर होता है, उससे ज़्यादा है तो आपको ISO सर्टिफाइड कर देते हैं, अगर ना है तो आपको वो कह देते हैं कि नहीं यार आपका भी सही नहीं है काम,
इसको बेहतर करके लाए एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये वाले काम होते हैं। फिर चेंज मैनेजमेंट, जाहिर है अगर आपने कुछ चेंज लानी है फॉलो अप में, वो आप कैसे लेकर आएंगे? चेंज बाजू का एब्रप्ट नहीं होती, उससे बड़ी डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाती हैं, ठीक है। और फिर इंसिडेंट हैंडलिंग की, अगर अल्लाह ना करे इन सारे काम करने के बावजूद भी अगर इंसिडेंट अगर हो जाता है, कोई बंदा आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, तो उस सूरत में आपने